तारीख 1 सितंबर, वक्त सुबह के 3:30 बजे। कश्मीर में एक जगह है छंब, जहां पाकिस्तान ने इतनी जबरदस्त गोलीबारी की कि भारत के सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इधर इंडियन आर्मी की मदद के लिए एयरफोर्स ने बम बरसाए, तो उसके कुछ बम भारत के बंकरों पर ही जा गिरे। तब भारत की सेना ने टैंकों का सहारा लिया, लेकिन उनके पास पुराने सेंचुरियन टैंक थे, जो पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों के आगे बिल्कुल नहीं टिक पाते। ऊपर से समस्या ये थी कि अखनूर पुल पर अगर ये टैंक ले जाए भी जाते तो पुल टूट जाता। नतीजा ये रहा कि लगातार 1.5 घंटे तक फायरिंग के बाद जब पाकिस्तानी आर्मी ने आगे बढ़ना शुरू किया तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। हालात ये थे कि 24 घंटों में पाकिस्तान का अखनूर जीतना पक्का था, लेकिन तभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मूसा अपने हेलीकॉप्टर से 7th डिवीजन के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। उन्होंने अखनूर पर अटैक कर रही बटालियन के कमांडर मेजर जनरल अख्तर हुसैन से मुलाकात की। अख्तर को लगा कि उन्हें शाबाशी मिलेगी, लेकिन मूसा ने उनसे अपने साथ रावलपिंडी चलने के लिए कहा। यह सुनकर अख्तर हुसैन दंग रह गए, क्योंकि बीच ऑपरेशन में उन्हें हटाया जा रहा था। उन्होंने पूछा, अगर मैं रावलपिंडी आता हूं तो इस ऑपरेशन को लीड कौन करेगा? तब जनरल मूसा ने उन्हें घूर कर देखा और बोले, ऑपरेशन को लीड करेंगे जनरल याया खान। वो याया खान जो अपनी शराब की लत के चलते इतने बदनाम थे कि खुद पाकिस्तान के आर्मी कमांडर्स को ये सख्त आदेश मिले थे कि 10 बजे के बाद उनका कोई भी ऑर्डर तब तक ना माना जाए जब तक कि वो रिटर्न में ना मिले। उस याया खान को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम का लीड आखिर कैसे बनाया जा सकता था? खुद याया भी अचानक हुए इस फैसले से हैरान थे, क्योंकि उन्हें तो अखनूर सेक्टर जीतने के बाद कमांड संभालनी थी। खैर, उन्होंने कमांड संभाली। 2 सितंबर 1965, पाकिस्तान की आर्मी अखनूर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर थी। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की स्ट्रेटजी के मुताबिक उन्हें जोरिया को बाईपास करते हुए अखनूर को कैप्चर करना था, ताकि इंडियन आर्मी का कश्मीर से कनेक्शन कट जाए। लेकिन नए कमांडिंग लीडर याया खान बोले कि वो पहले अखनूर को नहीं बल्कि जोरिया को कैप्चर करेंगे। इस तरह एन वक्त पर स्ट्रेटजी बदलने से पाकिस्तान के सैनिक कुछ समझ नहीं पाए और इसी गफलत में भारत को 36 घंटे का वक्त मिल गया। इंडियन आर्मी ने अखनूर में पोजीशन ले ली और पाकिस्तान पर इतना जबरदस्त री अटैक किया कि ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम तो तहस नहस हो ही गया। ऊपर से पाकिस्तान 1965 की पूरी जंग को भी हार गया। इसके बाद ताशकंद में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और दोनों ने एक दूसरे को जमीन लौटा दी। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में ही देहांत हो गया, लेकिन जब अयूब खान पाकिस्तान पहुंचे तो वहां का मीडिया, जनता और विपक्ष तीनों उन पर हमलावर हो गए और पूछने लगे कि अगर उन्हें समझौता ही करना था तो जंग क्यों छेड़ी। अयूब इन सवालों का जवाब मंड ही रहे थे कि तभी उन्हें एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर अयूब खान की त्योरियां चढ़ गई। इसे लिखा था ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग के सबसे पॉपुलर लीडर शेख मुजीबुर रहमान ने। दरअसल 6 पॉइंट वाला ये डिमांड लेटर भविष्य में होने वाली एक और जंग का न्योता था, जिसे लड़ने की जिम्मेदारी अयूब खान पर नहीं बल्कि याया खान पर आने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, 1965 वॉर पर लिखी गई कई किताबों में ये दावा किया गया है कि याया खान अयूब खान के पक्के दोस्त थे। दोस्ती निभाने के लिए ही अयूब ने बीच ऑपरेशन में उन्हें ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की कमान दे दी थी, जिस वजह से पाकिस्तान हार गया। लेकिन फिर भी अयूब ने याया खान को ही आर्मी चीफ बनाया, क्योंकि वो जानते थे कि याया ज्यादा एम्बिशियस नहीं है और अगर आर्मी की कमान याया के हाथों में रही तो वो कभी भी अयूब का तख्ता पलट नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने खुद किया था इस्कंदर मिर्जा का। जिस तरह आज फिलिस्तीन 2 टुकड़ों में बटा है, वैसे ही उस वक्त पाकिस्तान भी 2 टुकड़ों में बटा था, लेकिन ये दूसरा हिस्सा आज एक आजाद देश है, जिसकी आजादी की कहानी लिखी गई 1965 की जंग के बाद। क्या हुआ था पाकिस्तान में 1965 की जंग के बाद और क्यों हुई 1971 की लड़ाई, इसकी कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस दौर में,
जब पंजाब के साथ साथ बंगाल का भी बंटवारा होना था। इतिहास बताता है कि 13वीं सदी से ही बंगाल पर अलग अलग मुस्लिम राजाओं ने राज किया था, जिस वजह से यहाँ मुस्लिमों की आबादी ज्यादा थी। बंटवारे के बाद जब ईस्ट बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान में गया तो यहाँ के मुसलमानों को लगा कि नए देश में उन्हें ज्यादा तरक्की मिलेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। पाकिस्तान की हुकूमत चलने लगी वेस्ट पाकिस्तान से, जहाँ पंजाबी, पख्तून, सिंधी और बलोच रहते थे। भले ही ईस्ट बंगाल में पाकिस्तान की 56% आबादी रहती हो, लेकिन फिर भी मिलिट्री, कोर्ट, राजनीति और बड़े बड़े ओहदों पर वेस्ट पाकिस्तान के लोग बैठे थे। ईस्ट बंगाल के रिसोर्सेज से पाकिस्तान को 62% रेवेन्यू जनरेट होता था, लेकिन उन्हें मिलता था सिर्फ 25%। पाकिस्तान सरकार ने उनकी मातृभाषा बंगाली को भी दरकिनार करने की कोशिश की। हुआ यूं कि फरवरी 1948 में पाकिस्तान असेंबली के एक बंगाली सदस्य ने ये प्रस्ताव पेश किया कि असेंबली में उर्दू के साथ साथ बांग्ला का भी इस्तेमाल हो, लेकिन तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान करोड़ों मुसलमानों की मांग पर बना है और मुसलमानों की भाषा उर्दू है, इसीलिए ये अहम है कि पाकिस्तान की एक कॉमन भाषा हो जो केवल उर्दू ही हो सकती है। अगले ही महीने यानी कि मार्च 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ढाका गए और उन्होंने भी दो टुक कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की राजकीय भाषा केवल उर्दू होगी। यदि कोई आपको गुमराह करता है तो वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जहां तक राजकीय भाषा का सवाल है, वो केवल उर्दू है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही सिर्फ 3% लोग ही उर्दू बोलने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान के नेता उसे इस्लाम से जोड़कर देखते थे। हालांकि ईस्ट बंगाल एक सेक्युलर स्टेट था, जहां मुस्लिमों के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोग भी रहते थे। यहां के सारे लोग अपने कल्चर और अपनी भाषा से बहुत प्यार करते थे। जिन्ना की बात से ईस्ट बंगाल के लोगों को धक्का लगा और 21 फरवरी 1952 को यहाँ के स्टूडेंट्स ने बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट नाम से एक आंदोलन शुरू कर दिया। वो बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने उन पर फायरिंग कर दी और 5 स्टूडेंट मारे गए। इस घटना के बाद पाकिस्तान सरकार की काफी बदनामी हुई और आखिरकार 7 मई 1954 को पाकिस्तान को बंगाली भाषा को ऑफिशियल स्टेटस और 1956 में इसे स्टेट लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ा। 1956 में ही पाकिस्तान में फिर से इलेक्शन हुए, जिसमें ईस्ट बंगाल की पार्टी आवामी लीग ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। हुसैन शहीद सुहरावर्दी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने एक ही साल में उनकी सरकार गिरा दी। 1955 में राष्ट्रपति बने इस्कंदर मिर्जा ने इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर को प्रधानमंत्री बना दिया और ईस्ट बंगाल का नाम बदलकर ईस्ट पाकिस्तान रख दिया। इससे ईस्ट बंगाल के लोगों को ये लगने लगा कि पाकिस्तान में उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। अब एक तरफ ये लोग खुद को पहले ही अलग थलग महसूस कर रहे थे, ऊपर से 1965 की जंग जब हुई तो ईस्ट पाकिस्तान कमजोर डिफेंस के साथ रह गया। मौके की नजाकत को समझते हुए आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने उस वक्त के राष्ट्रपति अयूब खान को जो डिमांड पेपर भेजा, उसमें साफ साफ लिखा था कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाना चाहिए जिसमें ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा आजादी मिले, उसके खुद के फॉरेन रिजर्व हो और अलग करेंसी भी हो, उनके अपने रिसोर्सेज उन्हें ही दिए जाएं और अलग से उनकी अपनी आर्मी भी हो। इन सारी शर्तों से लग रहा था कि वो ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग देश बनाए जाने की मांग कर रहे थे, जिससे अयूब खान का खफा होना तय था। 19 जून 1968 शेख मुजीबुर रहमान पर देशद्रोह का केस ठोक कर उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है। पाकिस्तान सरकार ने आरोप लगाया कि वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक अलग देश बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। इस पूरे केस को नाम दिया गया द अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस।
शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ उनके कुछ साथियों को भी जेल भेजा गया था, जिनमें से एक थे सार्जेंट जहारुल्ला हक। 15 फरवरी 1969 जेल में ही जहारुल्ला का मर्डर हो जाता है, जिससे जनता का गुस्सा उफान पर आ जाता है। ईस्ट पाकिस्तान के लोग विद्रोह ना कर दें, इस डर से अयूब खान ने शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया। अयूब पहले ही 1965 की जंग में हार का दाग अपने दामन पर लगा चुके थे और उन्हें पता था कि ईस्ट पाकिस्तान में जो हालात बन रहे हैं उन्हें कंट्रोल अब नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जनरल याह्या खान को गद्दी पर बैठा दिया। तिलक देवेश्वर बताते हैं कि सबको मालूम था कि याह्या शाम 8 बजे से शराब पीना शुरू कर देते थे और 10 बजे तक काबू से बाहर हो जाते थे, इसीलिए 10 बजे के बाद उनके ऑर्डर मानने की सख्त मनाही थी। 70 के दशक में पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रहे सुल्तान मोहम्मद खान ने अपनी बायोग्राफी मेमोयर्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ए पाकिस्तानी डिप्लोमेट में लिखा है कि याह्या को लग रहा था कि भारत इस मामले में दखल नहीं देगा और वो बंगालियों को गोलियों के दम पर दबा लेंगे, लेकिन वो गलत थे। कहते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद याह्या ने जनरल इलेक्शन करवाने का वादा किया और करवाए भी, लेकिन 1970 में वे इन इलेक्शंस में फिर से आवामी लीग जीत जाती है। हालांकि आवामी लीग को सारी सीटें ईस्ट पाकिस्तान में मिली थी, वहीं वेस्ट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी थी। संविधान के हिसाब से तो शेख मुजीबुर रहमान, जो आवामी लीग के सुप्रीम लीडर थे, उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जाना था, लेकिन याह्या खान ने जुल्फिकार अली भुट्टो के कहने पर 1 मार्च 1971 को इलेक्शन रिजल्ट्स रद्द कर दिए। सरकार के इस फैसले से नाराज ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि जब उन्हें अपनी चुनी हुई सरकार ही नहीं मिल सकती तो पाकिस्तान में रहने का फायदा क्या है। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो अपने लिए देश ही अलग बना लेंगे, जिसका नाम होगा बांग्लादेश। 7 मार्च 1971 ढाका के रेसकोर्स मैदान में शेख मुजीबुर रहमान की रैली होती है, जिसमें करीब 10 लाख लोग पहुंचे। इन सब ने सेना के विरोध में अपने हाथों में बांस के डंडे उठा रखे थे। भीड़ का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगा रहे थे। रेडियो पाकिस्तान का ढाका स्टेशन भी सरकारी आदेश के खिलाफ जाकर लाइव टेलीकास्ट की तैयारी में था। शेख मुजीबुर ने बंगाली में अपना भाषण शुरू किया। उनका एक एक शब्द पाकिस्तान के खिलाफ ललकार बना। इस भाषण ने लोगों में नए सिरे से जोश भर दिया। ये स्पीच इतना फेमस हुआ कि आगे चलकर खुद यूनेस्को ने इसे विश्व के दस्तावेजी विरासत के तौर पर मान्यता दी। मानुष मुक्ति चाहे, बांग्लार मानुष बांसते चाहे, बांग्लार मानुष तरह आस्त्र अधिकार चाहे। खैर, जनता का मूड भांपकर याह्या खान ने तुरंत ईस्ट पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की एक पार्टी जमाते इस्लामी से कॉन्टेक्ट किया और 10 से 13 मार्च के बीच ढाका के लिए सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। सादे कपड़े पहने आर्मी अफसरों को लेकर कुछ सरकारी प्लेन ढाका पहुंचे, जिन्होंने यहां ऑपरेशन सर्च लाइट की तैयारी शुरू कर दी। 23 मार्च 1971 एक आखिरी बार बातचीत करने के लिए खुद राष्ट्रपति याह्या खान शेख मुजीबुर रहमान से मिलने ढाका पहुंचे। दोनों की मुलाकात बेनतीजा रही। जब याह्या बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि शेख की कार पर बांग्लादेश का झंडा लगा था। इसे देख उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो वापस इस्लामाबाद चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने आर्मी को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करने का ऑर्डर दे दिया। 25 मार्च 1971 रात के 11:30 बजे पाकिस्तान की आर्मी ने अचानक पूरे ईस्ट पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। सैयद बदरुल अहसन अपनी किताब फ्रॉम रिबेल टू फाउंडिंग फादर में लिखते हैं कि शेख की सबसे बड़ी बेटी हसीना ने उन्हें बताया कि जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई दी, शेख ने वायरलेस से संदेश भेज बांग्लादेश की आजादी की घोषणा कर दी। शेख ने कहा, मैं बांग्लादेश के लोगों का आह्वान करता हूं कि वो जहां भी हो और जो भी उनके हाथ में हो, उससे पाकिस्तानी सेना का विरोध करें। आपकी लड़ाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक पाकिस्तानी सेना के एक एक सैनिक को बांग्लादेश की धरती से बाहर नहीं कर दिया जाता। रात को करीब 1 बजे पाकिस्तानी आर्मी शेख मुजीब के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करती है।
और उनके गार्ड की हत्या कर देती है। आर्मी के एक अफसर ने लाउडस्पीकर पर चिल्लाकर शेख को नीचे बुलाया और सरेंडर करने को कहा। शेख वहां पहुंचे तो सैनिकों ने बंदूकों के बट से धक्का देते हुए उन्हें जीप पर बैठाया और वहां से निकल गए। एक अफसर ने वाइल्डलाइफ पर संदेश दिया, बिग बर्ड इन केज स्मॉल बर्ड्स हैव फ्लोन। उन्होंने जनरल टिक्का खान को फोन लगाकर पूछा कि क्या वो चाहते हैं कि शेख मुजीब को उनके सामने पेश किया जाए। तब जनरल ने गुस्से में कहा, मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। शेख को 3 दिनों तक कैंटोनमेंट के आदमजी कॉलेज में रखा गया और फिर कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तान ले जाया गया। पाकिस्तान ने उन्हें मियांवाली जेल की एक काल कोठरी में ठूस दिया, जहां रेडियो टीवी तो छोड़िए अखबार तक नहीं मिलता था। इधर पाकिस्तान की आर्मी ने जनरल टिक्का खान की लीडरशिप में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स, राजनेता, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, नॉवलिस्ट, पढ़े लिखे से लेकर साधारण जनता तक को चुन चुन कर मारा गया। करीब 4 लाख महिलाओं का रेप किया गया। पाकिस्तान दुनिया से कहता रहा कि ये हमारे अंदर का मामला है और हम इसे सुलझा लेंगे, लेकिन लोगों की आवाज दबाने के लिए उसने एक दिन में लाखों मर्डर करवा दिए। यहिया खान ने ईस्ट पाकिस्तान में मीडिया को पूरी तरह बैन कर दिया, ताकि दुनिया को पता न चले कि अंदर हो क्या रहा है। जब कहीं से भी मदद नहीं मिली तो लोगों ने खुद पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने की ठानी। ईस्ट पाकिस्तान या कहीं की बांग्लादेश के लोगों ने अपनी एक आर्मी बनाई, जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। पाकिस्तान का कहना था कि मुक्ति वाहिनी में आवामी लीग के गुंडे हैं, जो उर्दू बोलने वाले लोगों का कत्लेआम करते हैं। दरअसल हुआ यूं था कि जब बंटवारा हुआ, तब बिहार से कुछ उर्दू बोलने वाले मुसलमान ईस्ट पाकिस्तान में आकर बस गए थे। क्योंकि ये पाकिस्तान का समर्थन करने वाले थे, इसीलिए बांग्लादेश बनाने वाले लोगों से इनकी झड़प होती रहती थी। पाकिस्तान ने ये दिखाने की कोशिश की कि मुक्ति वाहिनी उर्दू बोलने वाले बिहारी लोगों पर जुल्म ढा रही है, और इन्हें को बचाने के लिए पाकिस्तान की शांति वाहिनी ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया है। इस ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में मौत का तांडव शुरू कर दिया। हालात ये थे कि एक तरफ बांग्लादेश के सारे नेता पाकिस्तान की जेलों में बंद थे और दूसरी तरफ जनता का बेतहाशा कत्लेआम हो रहा था। दहशत में आए लोग जान बचाकर भारत की तरफ भागे और बांग्लादेश में लगे बॉर्डर स्टेट में लाखों की तादाद में रिफ्यूजी पहुंचने लगे। बीएसएफ के रिटायर्ड आईजी मोहम्मद जिया उल्लाह उस वक्त त्रिपुरा बॉर्डर पर तैनात थे। उन्होंने डीबी डिजिटल की एक रिपोर्ट में बताया कि जो भी बांग्लादेश छोड़कर आता, पाकिस्तान की आर्मी उसका सब कुछ छीन लेती और सिर्फ एक कपड़े में ही उसे देश छोड़ने के लिए कहा जाता। तब खुद जिया उल्लाह ने पाकिस्तान के पोस्ट कमांडेंट से बात करके उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहा। कई बार कहने के बावजूद भी जब पाकिस्तानी नहीं माने तो बीएसएफ के सिपाहियों ने उनके कंपनी हेडक्वार्टर और प्लाटून पोस्ट पर हमला करके उन्हें खाली करा लिया। क्योंकि ये पोस्ट भारत के सीमा के 2 किलोमीटर अंदर बनी थी, इसलिए पाकिस्तान ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की और लोगों का सामान छीनना भी बंद कर दिया। बीएसएफ के इस कदम से सेना को इतना फायदा मिला कि जब 9 महीने बाद वो बांग्लादेश में घुसे तो उन्हें अंदर 13 किलोमीटर तक का इलाका खाली मिल गया। हालांकि मार्च महीने तक भी भारत की जंग करने की कोई मंशा नहीं थी, लेकिन अप्रैल आते आते 30 लाख से भी ज्यादा बांग्लादेशी रिफ्यूजी भारत आए, जिससे भारत के बॉर्डर स्टेट्स पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इतने सारे लोगों को शरण देना भारत के लिए आसान नहीं था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस मामले पर नजर रखे हुए थी कि तभी 13 जून 1971 को यूके के एक अखबार द संडे टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश होता है। ये आर्टिकल लिखने वाले थे रिपोर्टर एंथनी मस्कारेनहास। एंथनी ढाका में रहते थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी से जान बचाकर वो यूके भाग गए और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा था उस बारे में उन्होंने आर्टिकल लिखकर दुनिया को बताया। जब इंदिरा गांधी ने ये आर्टिकल पढ़ा तो उन्हें लगा कि बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए अब भारत को इस जंग में उतरना ही होगा, और इसीलिए उन्होंने आर्मी चीफ के साथ मीटिंग फिक्स करी। उस वक्त इंडियन आर्मी के चीफ थे सैम होर्मूज जी फ्रामजी जमशेद जी मानिकशॉ, जिन्हें दुनिया आज सैम बहादुर के नाम से जानती है।
कहते हैं कि बंटवारे के वक्त उन्हें पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन करने का खुला ऑफर मिला था, लेकिन वो भारत में ही रहे। इंडियन आर्मी में उनका रोल किसी हीरो से कम नहीं था, इसलिए उनकी कहानी जानना जरूरी हो जाता है, जो शुरू होती है 3 अप्रैल 1914 से। अमृतसर में एक पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ और वो बचपन से ही अपने पापा की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे। सैम के दो भाई लंदन से इंजीनियरिंग कर रहे थे। जब उन्होंने लंदन जाने की जिद की तो उनके पिता ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो अभी छोटे हैं। इस बात से खफा होकर सैम ने इंडियन मिलिट्री में शामिल होने के लिए फॉर्म भर दिया और इस तरह आर्मी में उनकी एंट्री होती है। नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से ट्रेनिंग के बाद उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की, जहां पहली शौहरत उन्हें मिली साल 1942 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में म्यांमार के एक फ्रंट पर एक जापानी सैनिक ने उन पर लगातार 7 गोलियां चला दी। ये गोलियां सैम की इंटेस्टाइन और किडनी में जा घुसी। अंग्रेजों का ऑर्डर था कि घायल फौजियों को उसी हालत में छोड़ दिया जाए, लेकिन सूबेदार शेर सिंह ने सैम को कंधे पर उठाया और उन्हें इलाज के लिए पहुंचाया। ठीक होने के बाद सैम सही सलामत फिर अपने पोजीशन पर लौटे, लेकिन तब तक वो हीरो बन चुके थे। 1947 में वो और याहिया खान दिल्ली के आर्मी हेडक्वार्टर में एक साथ रहते थे। कहते हैं कि तब याहिया खान को सैम की मोटरबाइक बहुत पसंद थी, लेकिन सैम उसे बेचना नहीं चाहते थे। हालांकि बंटवारे के बाद जब याहिया जाने लगे तो उनके खुशी के लिए सैम ने 1,000 रुपए में उन्हें बाइक बेच दी। याहिया ने वादा किया कि वो पाकिस्तान जाकर पैसे भेज देंगे, लेकिन उनका चेक कभी आया ही नहीं। इधर सैम ने भारत और पाकिस्तान में से भारत को चुना और मशहूर गोरखा रेजिमेंट के सिपाही के तौर पर नित नए आयामों को छुआ। आर्मी चीफ बनने से पहले वो ईस्टर्न कमांड के चीफ रह चुके थे। जब इंदिरा गांधी से उनकी मीटिंग हुई तो इंदिरा ने उनसे सवाल किया कि क्या वो जंग के लिए तैयार हैं। जवाब में सैम ने कहा कि आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। इंदिरा जैसे सख्त नेता को स्वीटी कहने की हिम्मत सैम ही दिखा सकते थे। उनका जवाब काफी फेमस हुआ, लेकिन जंग शुरू करने से पहले उन्होंने ईस्टर्न कमांड के स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब को फोन लगाया और उनसे पूछा कि क्या ईस्टर्न कमांड बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए तैयार है। इस पर जैकब ने उन्हें जवाब दिया कि उनके पास सिर्फ एक माउंटेन डिवीजन है जो पुल नहीं बना सकती। 5-5 मील चौड़ी नदियां हैं वहां पर, जो मॉनसून शुरू होते ही उफान पर आ जाएगी, और अगर ऐसे में उन्होंने हमला कर दिया तो वो खुद बांग्लादेश में ही फंस कर रह जाएंगे। ये जवाब सुनकर मानेकशॉ ने पॉलिटिकल प्रेशर में उन्हें लड़ने का ऑर्डर देने की बजाय इंदिरा गांधी से ही जंग लड़ने के लिए मना कर दिया। ये बात सुनकर इंदिरा खफा हो गई, लेकिन सैम ने उनसे पूछा, आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं? इंदिरा ने कहा हाँ। इस पर उन्होंने कहा कि आप मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत आपकी होगी। सैम ने 6 महीनों का वक्त मांगा था, यानी कि जंग दिसंबर में होनी थी, लेकिन तब तक बांग्लादेश का क्या? बांग्लादेश की मदद के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन जैकपॉट शुरू किया। इंडियन आर्मी ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देनी शुरू की और उधर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी दुनिया भर में बांग्लादेश के लिए सिंपथी जुटाने शुरू कर दी। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा था? पाकिस्तान में राष्ट्रपति याहिया खान पार्टी करने में मशगूल थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि पाकिस्तान की आर्मी ईस्ट पाकिस्तान के हालातों को संभाल लेगी और अमेरिका के डर से भारत कभी भी इस मामले में दखलअंदाजी करने की जरूरत नहीं करेगा। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड मेलहोस निक्सन, जो याहिया खान के जितने अच्छे दोस्त थे इंदिरा गांधी के उतने ही कट्टर दुश्मन। कहते हैं कि 1971 की जंग से पहले जब इंदिरा निक्सन से मिलने अमेरिका गईं, तब निक्सन ने उन्हें 45 मिनट का इंतजार करवाया और फिर मुलाकात की। इंदिरा ने उन्हें बताया कि कैसे ईस्ट पाकिस्तान के 1 करोड़ लोग भारत के रिफ्यूजी कैंपों में भूखे मर रहे हैं, लेकिन निक्सन ने मदद करना तो दूर, उनके लिए सहानुभूति के 2 शब्द तक नहीं कहे। कहते हैं कि उस वक्त निक्सन और NSA हेनरी किसिंजर जब आपस में बात करते थे तो वो भारत के लोगों और इंदिरा गांधी को गालियां तक देते थे। इसका खुलासा तब हुआ जब बाद में उनकी बातचीत के ऑडियो वायरल होने लगे।
उन्होंने भारत को कई बार धमकी दी कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामले से दूर रहे, लेकिन इन सबसे परे इंडियन आर्मी लगातार युद्ध की तैयारियां करती रही। या भले ही माने या ना माने, लेकिन भुट्टो समेत पाकिस्तान के नेता और आर्मी जनरल ये समझ गए थे कि जंग तो तय है, इसीलिए उन्होंने भी तैयारियां शुरू कर दी और साथ ही भुट्टो ने खालिस्तानियों को हवा देने भी शुरू कर दी ताकि वो भारत का ध्यान बांग्लादेश के मुद्दे से हटा सके। दिसंबर तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं हुआ और बांग्लादेश में कत्लेआम होता रहा। 1 करोड़ लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत आ चुके थे, लेकिन फिर भी भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। तो सवाल ये आता है कि जंग शुरू कैसे हुई? कहते हैं कि 1971 की लड़ाई भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे ऐतिहासिक जंग थी, जिसमें एक देश ने दूसरे देश के 2 फाड़ करके रख दिए, वो भी अमेरिका के खिलाफ होने के बावजूद। कहते हैं कि आर्मी, एयरफोर्स और बीएसएफ के साथ साथ नेवी ने भी पाकिस्तान पर ऐसा अटैक किया कि 7 दिन तक कराची का तेल डिपो धूं धूं करके जलता रहा। 1971 के जंग की शानदार कहानी हम लेकर आएंगे आपके लिए, अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन इससे पहले आपको हमें कमेंट करके बताना होगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। अगर इस तरह की कहानियां 1 मिनट में सुनना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कर लें। आप अपने सजेशन हमें इस मेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।